点钟。आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकास सिर्फ कागज के पन्नों पर सीमित रह गया है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। जी हां, कलुआही के हरलाखी जाने वाली सड़क पे पिछले 3 साल से लगता गया विकास की हवा आसपास भी नहीं गुजरी है। कलुआही प्रखंड अंतर्गत मलमल पंचायत के मुखिया हाट के पास कलुआही बासोपट्टी सड़क पर 407 ट्रक धान से भरी हुई एक गड्ढे में पलट गयी। बासोपट्टी से कलुआही की ओर जाते समय ये दुर्घटना हुई। आपको बता दें कि ये सड़क सालों से बहुत खराब स्थिति में है, कई लोग अपनी जान गवा बैठे हैं। महीने में 10-15 घटना इस सड़क पर आम बात है। यहाँ के लोग ही या वाहन चालक कलुआही से बासोपट्टी अपनी जान हथेली पर रख कर जाने को मजबूर है, लेकिन कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बड़ी परेशानी उन महिलाओं को होती है जो प्रेगनेंसी की अवस्था में आती है मधुबनी हॉस्पिटल जाने के लिए, और सामने भी वेलफेयर सोसाइटी का हॉस्पिटल यहाँ भी आती है कि इस गड्ढे में गिर जाती है बेचारी। इस गड्ढे से कब निजात सरकार दिलवाएगी? आपके चैनल के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन, फिर भी कह रहा हूँ, जल्द से जल्द संज्ञान ले इसका। जल्द से जल्द का मतलब है कि 24, 48, 72 घंटे के अंदर, नहीं तो फिर वही हम कह रहे हैं कि भारी जन आंदोलन होगा इस सड़क पर और पूरा यातायात ठप किया जाएगा। अभी जो 3 बजे करीब 3 बजे घटना जो घटी है, ये कोई नई घटना, ये केलवाही बासोपट्टी रोड पे नहीं है। ये रोड अब ये NHI हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जनप्रतिनिधि भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो भी देखते चले जाते हैं, ना MP ना MLA कोई भी नहीं। अब बिहार सरकार अभी हाल में किसी न्यूज़ चैनल ने, ABP शायद चैनल ने इसको 1 घंटा पूरा कवरेज चलाया था इस रोड का, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है। नीतीश कुमार की आँख खुलती नहीं है और फिर कहते हैं कि बिहार में बाहर है, हमने सड़क बिहार में चमका दिया। ये देख लीजिए नमूना, इस साल में ऐसी हम समझते हैं कि 40 घटना हो चुकी है। खास थोड़ी सी वर्षा होती है, पानी भर जाता है इसमें, और सबसे ज़्यादा बेइज्जती महिलाओं की होती है जो मोटरसाइकिल पर जाती है, अधरंग हो जाती है, वो लोग घायल हो रहे लोग, यहाँ पर सामान बर्बाद हो रहा है। हम फिर आज कहेंगे कि सरकार अपनी आँख खोले, नहीं तो इसके खिलाफ भारी जन आंदोलन होगा और हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी इसके लिए सड़क उतरेगी।